सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गुरु में। जैसे कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में बताया था, ये देखिए, ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लीजिएगा। मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन करना बताया था कि मुख्यमंत्री पीएम कुमार योजना में रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, लाइव करके बताया था, स्टेप बाय स्टेप बताया था ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम ना हो। आज हम बताने वाले हैं, जो आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिली है, आपको तीन जगह लॉगिन आईडी पासवर्ड मिली होगी। एक तो आपको ईमेल पर आया होगा, एक मोबाइल पर मैसेज आया होगा और एक व्हाट्सएप पर आया होगा। तो चलिए हम उसे लॉगिन कर आपको फाइनल फॉर्म सबमिट कर बता देते हैं किस प्रकार से फॉर्म सबमिट करना है। इसकी दो स्टेप हैं, आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं और दूसरी बात है कि आप इसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ये लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देना है और यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना है। तो चलिए हम फटाफट लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल देते हैं यहाँ पर। तो हमारा लॉगिन आईडी पासवर्ड हम डाल देते हैं, लॉगिन डालने के बाद यहाँ पर हम पासवर्ड इंटर कर देते हैं। तो हमारा पासवर्ड ये रहेगा, यहाँ पर सब डालने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड चेंज करने को बोल देगा। इसमें कई को प्रॉब्लम आ रही है कि इसमें पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसका कैप्चा। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड पे आपको देखिए पहला इस कैपिटल में रखना है पहला शब्द। तो चलिए हम पहला शब्द कैपिटल में रख देते हैं। अब बाकी आपको कुछ भी अपना नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको @ या कोई भी सिंबल लगा देना है। उसके बाद आपको संख्या लिख देनी है, ठीक है। ये तीन चीज आप कर दें, एक बार और बता देते हैं। पहला शब्द आपको कैपिटल में लिखना है, फिर आपको अपना नाम लिख देना है बाकी का। उसके बाद आपको @ या कोई भी सिंबल आपको लगा देना, उसके बाद संख्या लिख देनी है और उसके बाद चेंज पासवर्ड पर देख लेते हैं तो हमारा चेंज पासवर्ड हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली हो चुका है। कई को प्रॉब्लम आ रही थी कि इसमें पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा है, पर ये देखिए इस प्रकार से आपको पासवर्ड रखेंगे तो आपका जरूर से चेंज हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर अपडेट पासवर्ड पर क्लिक कर देते तो हमारा पासवर्ड यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब हम इसे लॉगिन कर देख लेते हैं। तो ये लॉगिन हमने करके देख, तो ये देखिए हमारी कुछ इस प्रकार से हमारी एप आईडी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा बैंक आधार से लिंक है, DBT सक्रिय है, ये आज हाँ हाँ लिखा आएगा तभी आपके पैसे आएंगे 8,000 रुपये जो देने वाली है सरकार, नहीं तो आपके पैसे नहीं आने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का विवरण चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी शैक्षणिक योग्यता चुन लेते हैं, तो यहाँ से हम चुन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने शैक्षणिक योग्यता में आपको ITI की तो ITI, बारहवीं की तो बारहवीं, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आपको हम ग्रेजुएशन नॉन इंजीनियरिंग में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोर्स चुन लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा है BSc। सबसे पहले आपको अपनी बारहवीं ऐड कर लेना है यहाँ पर, तो बारहवीं ऐड कर लेते हैं। तो हम बारहवीं हमने की थी अदर से, उसके बाद यहाँ पर हम अदर में डाल देते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर बार डालने के बाद आपने जिस बारहवीं जिस MP जिस बोर्ड से की उसका नाम डाल लेना, तो हमने MP बोर्ड से की, तो हमने MP बोर्ड का नाम डाल लिया। शैक्षणिक संस्था का हम पूरा नाम डाल देते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको अंकसूची की फाइल अपलोड कर देना है, तो हम यहाँ पर अंकसूची की फाइल देख लेते हैं फटक से। उसके बाद यहाँ पर आपको जोड़े पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जोड़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारी जानकारी अपडेट हो चुकी है, यहाँ पर आपका मार्कशीट देखना है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, आपको मार्कशीट दिख जाएगी। ओके, तो ग्रेजुएशन की डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना, तो ये डिटेल फिर से ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है। जोड़े पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जोड़े देखिए, यहाँ पर हमारा जुड़ गया है। तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पर बस आपको इतना ही करना है, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो यहाँ से आप डिप्लोमा भी ऐड कर सकते हैं। नॉन इंजीनियर इंजीनियर जो चुना है यहाँ पर आपको देख लेना है।
ठीक है, डिप्लोमा है तो आप इसे ऐड ज़रूर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस पर आप ऑन जॉब ट्रेनिंग के कोर्स एवं संस्था का विवरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता फिर यहाँ पर आपको ऐड करनी है, अपनी रुचि के अनुसार राज्य सिलेक्ट कर लेना है, किस राज्य में सिलेक्ट करना है, जिला सिलेक्ट कर लेना है जिस जिले में आपको करना है। कार्य का अनुभव यदि आपको है तो यहाँ पर आपको अप टू 100 वर्ड में लिख देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है यदि तो यहाँ पर आपको लिख देना है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेव हो जाएगा। जब भी इसमें कोई अपडेट आता है फिर आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अगर आपको रिज्यूम डाउनलोड करना है तो रिज्यूम के ऑप्शन पर जाकर यहाँ से अपना रिज्यूम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बस इतना ही आपको प्रोसेस करनी है और आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाए, हो चुका है समझ लीजिए। आपको ये अपडेट कर देना है, सब शैक्षणिक संस्था के आगे आपको कर देना है। ठीक है, आपको जो जिला सिलेक्ट कर लेना है, चलिए हम खट करके बता देते हैं आपको। जिला आपको चुन लेना है तो हम अपना जिला चुन लेते हैं। पहले आपको राज्य चुन लेना है, राज्य चुन लेंगे, चुनने के बाद यहाँ पर आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसे जोड़ सकते हैं, एक से अधिक जिला आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें जोड़ने का ऑप्शन है, तो एक से अधिक आप जिला अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फिर आपसे शैक्षणिक योग्यता आपको डाल देनी है, जैसे हम ग्रेजुएशन से नॉन इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, आपने जो शैक्षणिक योग्यता है वहाँ यहाँ पर अपडेट करी, वही आपको वहीं शो होगी। ठीक है, वही आपको यहाँ पर शो होगी। केवल यहाँ पर आपको सेक्टर चुन लेना है, इतने सारे सेक्टर है जिसमें आप अपना आवेदन कर सकते हैं, कोई भी एक से दो सेक्टर जितने आप चुनना चाहें उतने आप चुन सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये सेक्टर आप अपने चुन सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक सेक्टर कोई सा भी चुन लेते हैं। ठीक है, एक सेक्टर हम अपना चुन लेते हैं और यहाँ पर आपको कोर्स चुन लेना है, उसमें से कोर्स चुनने के बाद यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सेक्शन योग्यता की यहाँ जैसे ही जोड़े पर क्लिक करेंगे ये आपकी सफलतापूर्वक जुड़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, इसे हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं और फिर इसको सेव कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये सेव हो चुकी है हमारी, ये सेव हो चुकी है। यहाँ पर रिज्यूम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पूरा जानकारी देखने को मिल जाएगी, शैक्षणिक योग्यता वगैरह। अगर आपको मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र बेस्ट टू और मुख्यमंत्री शिशु कुमार योजना के ऑनलाइन आवेदन करवाना है तो इस व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर ही अपना आवेदन भरने का मौका मिल रहा है तो इसे जरूर यूज़ कीजिएगा। तो चलिए, आवेदन भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जरूर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं, पर गलत जानकारी बिल्कुल मत डालिएगा। तो मिलेंगे इसी नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो लेकर आप जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।